Hi girls, welcome back to my channel Blushing Beauty. कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होंगे, happy होंगे and safe होंगे. So मैं आ गई हूँ एक नई series के साथ. Yes, मैं दोबारा repeat कर रही हूँ, ये है एक नई series. यहाँ पे हम एक प्रेगनेंसी सीरीज शुरू करने वाले हैं. आज तक आपने ब्लशिंग ब्यूटी से बहुत सारी चीज़ें देखी एंड आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. मैंने आपके साथ शेयर किए है ब्राइड की सीरीज़, आफ्टर मैरिज सीरीज़ एंड बहुत सारी ब्राइड से रिलेटेड ओवरऑल सब कुछ शेयर कर दिया, सब कुछ खोल दिया. आप मेरा चैनल खोल के देख लीजिएगा. नाउ मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड उसी पोस्ट के ज़रिए एक नई सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ. इस सीरीज़ को यानी प्रेगनेंसी सीरीज़ को भी उतना ही सपोर्ट कीजिएगा जितना आपने ब्राइड वाली सीरीज़ को दिया, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ, सारी चीज़ों पर हम बात कर सकें. क्योंकि देखिए, लाइफ के बहुत सारे पहलू होते हैं. हमने एक पहलू देख लिया, शादी के पहले क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है, लेकिन शादी के पहले और शादी के बाद आता है एक नया फेज़ जो एक फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है. जब एक फ़ीमेल एक मदर बनती है, वो फेज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है. उस चीज़ को भी हमें समझना है. चीज़ें, हर चीज़ होती ना, एक होता है कि बस हो गई, ऐसा नहीं करना है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ समझ के हर चीज़ प्लान करनी है. तो आइए वीडियो करते हैं शुरू. इस वीडियो के टाइटल से आप देख पा रहे होंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट होने का सही टाइम क्या है, प्रेगनेंसी का सही समय क्या है, ये चीज़ पे बात करने वाले हैं. तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा. चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा. वीडियो को पहले पूरा देखिएगा उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी क्या राय है इस प्रेगनेंसी सीरीज से रिलेटेड. बस मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी, ये जो वीडियो है ये मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बना रही हूँ. यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ीमेल्स का एक्सपीरियंस लिया है, मतलब बहुत सारी फ़ीमेल्स से कुछ बातें की हैं, उसके बाद उनकी राय मैं आपके साथ शेयर करी हूँ. कह लीजिए कि अभी मैं इतना ज़्यादा नॉलेजबल नहीं हूँ कि मैं आपको सब चीज़ बता सकूँ, बट येस, कहीं से नॉलेज गेन करके ही मैं आपको बता सकती हूँ. और कहीं से क्या, हम ये चीज़ें अपने घर में ही पता कर सकते हैं. अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी मदर इन लॉ होंगी, आपकी सिस्टर इन लॉ होंगी, हो सकता है अगर मतलब आपके और भी रिलेटिव हो, आप उनसे खुल के बात कीजिए. इस टॉपिक पे कोई भी शर्माने की बात नहीं है. गर्ल्स, कई बार क्या होता है, जब भी हमारी कॉलेज लाइफ चल रही होती है, फिर हम जॉब कर रहे होते हैं और बस रैंडमली शादी, रिश्ता आता है, शादी तय हो जाती है और शादी झटपट हो भी जाती है. एक लड़की को इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो ये सब चीज़ें भी सर्च कर पाए, बिल्कुल टाइम नहीं होता है. बस वो शादी की तैयारियों में ही लगी रहती है, ना वो शादी हो जाती है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती. मतलब कह लीजिए, अगर एक फ़ीमेल की जल्दी शादी हो गई तो उसको उतनी नॉलेज नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए. और उस टाइम पे क्या होता है, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एंड जाने अनजाने में कुछ लड़कियां ऐसी मिस्टेक्स कर देती हैं, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेती हैं. ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेती हैं. इससे उन्हें लगता है कि नाउ प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है, बट येस, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट शॉर्ट टाइम के लिए होगी, लॉन्ग टाइम के लिए आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. मतलब अगर आप बड़ों की राय जाने अपने फैमिली में, तो ये जो पिल्स होती हैं ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं. आप इन पिल्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए. आप वैसे प्रिकॉशन ले लीजिए, बट इस तरह की पिल्स को ना लीजिए, क्योंकि अगर इस तरह की पिल्स आप ले रहे हैं तो आगे चल के आपको बेबी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा. ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इस बात पे भी आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में, या इंडियन कल्चर की बात नहीं करूँ, ओवरऑल द वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, सब जगह एक एज डिफाइन की गई है शादी के लिए. शादी के लिए एक लड़की के लिए जो एज है वो 18 से 25 के बीच में है. मतलब 18 प्लस की अगर लड़की है तो वो शादी करने लायक है और शादी खुद की मर्ज़ी से कर सकती है. उसी तरह अगर बॉयज़ की बात करें, जेंट्स की बात करें, तो उनके लिए भी एज डिफाइन की गई है, 18 प्लस के बाद वो भी कर सकते हैं. सेम अप्लाई होता है. एंड देखिए, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे जैसे आपकी शादी की एज डिफाइन की गई है, मतलब हर चीज़ करने का एक सही टाइम होता है. तो शादी के लिए 18 प्लस ही क्यों रखा गया? आप सोच के देखिए कि शादी को हम पहले भी तो कर सकते थे, मतलब 2-3 साल पहले भी कर सकते थे. ऐसा 18 प्लस वाला ही क्यों डिसाइड किया गया?
बहुत सारे रीजंस होते हैं 18 प्लस वर्ड सेलेक्ट करने के लिए। इसी तरह प्रेगनेंसी के लिए भी सही टाइम होता है, यानी प्रेग्नेंट होने का भी सही टाइम होता है। ये नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे डिटेल में बात करने वाली हूँ कि क्या सही टाइम है एक प्रेगनेंसी का, यानी कह लीजिए मदरहुड के लिए सही टाइम क्या है, माँ बनने के लिए एक सही टाइम सही उम्र क्या है। गर्ल्स, यहाँ पे मैंने बहुत सारी जगह पता किया, बहुत लोगों से बातचीत करी, बड़ी फीमेल से बात करी, जैसे कि दादी माँ, मम्मी, ऐसे लोगों से बात करी, और उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी का जो सही टाइम होता है वो होता है 20 से 30 साल की उम्र के बीच में। एज़ पर साइंस के हिसाब से कह लीजिए 20 से 30 साल की उम्र के बीच में एक सही टाइम होता है एक बेबी को बॉर्न करने के लिए, एक मदरहुड के लिए, माँ बनने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए। बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं गर्ल्स जो कि हमें नहीं पता होता है। जैसे कि आप कह लीजिए आप करियर ओरिएंटेड हैं, आपकी शादी 26 में हुई, आप अभी करियर को बिल्ड कर रहे, तो आप सोचिए नाउ फैमिली प्लानिंग बाद में होगी, यानी 30 के बाद कर लेंगे, पहले हमें करियर बनाना है। क्योंकि करियर के लिए भी बहुत सारी जगह ऐसा रखा जाता है टारगेट कि 28 प्लस के बाद या 30 प्लस के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें। सिमिलरली आप क्या करते हैं आज के मॉडर्न ज़माने में, लड़कियां ये सोच लेती हैं, मैं लड़कियों की नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट ये शेयर कर रही हूँ कि बस कपल्स ये सोच लेते हैं करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभी करियर को बिल्ड करो, पहले खुद को इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद यू विल प्लान फैमिली। तो ये चीज़ें जब होने लगती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी 30 प्लस एज हो गई है, 30 प्लस एज होने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप प्रेगनेंसी करते हैं, मतलब प्रेग्नेंट होते हैं 30 प्लस में, तो उस टाइम पे आपकी एल्डरली प्रेगनेंसी होगी, मतलब एक एज निकल गई प्रेग्नेंट होने की, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो बॉडी है ना उसके अंदर कुछ हो सकता है, आपको कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है शुगर की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है ओवरऑल बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक जो होता है ना फ्रेश बॉडी होती है जो हम बेबी को डिलीवर कर सकते हैं वो नहीं रहती है, हमारी बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे गर्ल्स, आज के टाइम पे कोई भी ऐसी, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ ही लड़कियाँ ऐसी होंगी जो खुद को कहेंगी हमारे पास किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 99% फीमेल्स आज के टाइम पे स्ट्रेस का शिकार बनती हैं, टेंशन होती है उनको, एंड ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना तब उस टाइम पे जब बेबी होता है तो बेबी भी उसी चीज़ का शिकार बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले रिलैक्स रहना होगा, सबसे पहले आपको काम रहना होगा, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स तरीके से सब चीज़ें प्लान करनी है। यही वजह होती है 30 प्लस में अगर आप सोचते हैं, 30 प्लस के बाद आप सोच रहे हैं अगर एक बेबी के बारे में, तो उस टाइम पर आपकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और कह लीजिए कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप सही टाइम पे, जो साइंस ने एक एज डिफाइन की है 20 से 30 के बीच में, उस एज में प्लान कीजिए। बट यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है गर्ल्स, क्या एक लड़की 20 से 30 साल की है उस टाइम पे वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी है, मतलब क्या आप अगर 20 से 30 साल के बीच में हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है और आप 20 से 30 साल के बीच में आते हैं, तो क्या ये सही टाइम है प्रेग्नेंट होने के लिए? बिल्कुल नहीं गर्ल्स, प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एज फैक्टर मैटर नहीं करता है, कहीं से भी मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रेगनेंसी के लिए जो फैक्टर्स अब मैं आपको बताने वाली हूँ, वो चीज़ आप ध्यान रखिए और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए। पहला, जब भी आप एक बेबी प्लानिंग करते हैं, यानी फैमिली प्लानिंग करते हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए सोचते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं होता, पहली बात तो ये है कि लोग सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, बट कई बार हम कुछ सोचते हैं और होता कुछ है। अक्सर हर केसेस में यही नोटिस किया जाता है, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक फ़ीमेल के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, एक फ़ीमेल को प्रेग्नेंट होने के ड्यूरेशन पे उसका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक फ़ीमेल कोई भी स्ट्रेस टेंशन जैसी परेशानी है तो वो नहीं कर सकती ऐसी चीज़ें। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए, आप रिलैक्सेशन कीजिए, योगा कीजिए, उसके बाद आप प्लान कीजिए, क्योंकि सही चीज़ सही टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहीं से कहना चाहूँगी गर्ल्स, एक और बात आती है, अगर आप मान लीजिए मेरी एज के हैं, लाइक 25 इयर्स के हैं, 25 26 इयर्स के हैं, एंड
क्या होता है, कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो सोचती हैं कि हाँ चलो अभी अभी शादी हुई है, जस्ट एक दो साल देती है फैमिली को, समझने की कोशिश करते हैं, देन वी विल प्लान, ये चीज़ें होती है। अब अगर कोई आपसे कह दे नाउ अभी आपको ये करना है, अभी दिस मंथ आपको फैमिली प्लानिंग का सोचना है, तो क्या आप रेडी हैं? सच में क्या आप रेडी हैं? कोई सडनली आपसे कह देगा तो क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। गर्ल्स मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बेबी के लिए सोचना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो जब आप, जब तक एक फीमेल खुद से नहीं सोचेगी, या कह लीजिए जब तक एक फीमेल के मन में, या कह लीजिए औरत के मन में, एक औरत के मन में वो भावना नहीं आएगी कि मुझे बेबी चाहिए, और ये जो ममता वाली फीलिंग है ना, तब तक वो खुद से पैदा नहीं होगी। दुनिया का कोई इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो फीलिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो फीलिंग आएगी ना, एक लड़की मेंटली तौर पे रेडी हो जाएगी बेबी के लिए, तो वो एक सही टाइम होता है। तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, यानी पॉइंट नंबर टू कह लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे होती है प्रेगनेंसी के लिए, यानी प्रेग्नेंट होने के लिए, प्रेग्नेंट होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कैसे आप टॉलरेट कर पाए, आपकी टॉलरेंस पावर कितनी है। क्योंकि देखिए, एक बेबी को बॉर्न करना कोई छोटी बात नहीं है, आपने भी सुना होगा कितना ज़्यादा पेन से गुजरना होता है। तो क्या आप फिज़िकली रेडी हैं? मेंटली तो आप रेडी हो गए कि हाँ आपको अब बेबी चाहिए, बट क्या आपकी बॉडी फिज़िकली रेडी है टू टॉलरेट दैट पेन? आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में समझनी होगी। इसीलिए जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, आप नहीं प्लान कर सकते हैं। तो आप पहले मेंटली रेडी होइए, उसके बाद फिज़िकली भी रेडी होना है आपको। नंबर थ्री, गर्ल्स हमारे इंडिया में कह लीजिए, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा अगर हम लेबर की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, बस एक लेबर के 3, 4, 5, 6, 7 इतने ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। क्यों? पहले वहाँ पे लिटरेसी नहीं थी, इलिटरेट थे वो लोग, लेकिन नाउ गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए कि हम दो हमारे दो करके इस तरह से। तो यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे बेबी के लिए, अगर प्रेगनेंसी की बात करें, यानी फैमिली प्लानिंग की बात करें, तो एक फीमेल को, यानी एक फीमेल को नहीं, एक कपल को फाइनेंशियली रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस है कि यस वो बेबी को टेक केयर कर सकते हैं, तो वो सही टाइम है। अब ऐसा ना हो ना कि आप मेंटली और फिजिकली तो रेडी हो गए, फाइनेंशियल स्टेटस कहता ही नहीं है कि नाउ यू कैन टेक केयर, क्योंकि एक बेबी होने के बाद सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने बस बेबी कर लिया। बेबी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अभी कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और गर्ल्स, ये जो वीडियो मैं आपके साथ बना रही हूँ, ये सिर्फ अपने मन की बातें बता रही हूँ, जो चीज़ मैं सोचती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बातें आपको कहीं नेट पर नहीं मिलेंगी। अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे ना प्रेग्नेंट होने का सही टाइम, मैंने भी सर्च किया तभी वीडियो बना रही हूँ, तो लोगों ने, डॉक्टर्स ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, यानी उन्होंने एज डिफाइन की है। बट मुझे लगता है एज फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक फीमेल के लिए, एज फैक्टर से ज़्यादा ज़रूरी है एक फीमेल का मेंटली और फिज़िकली और फाइनेंशियली रेडी होना। ये चीज़ें अगर आपको लगती है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लड़कियों को पता चल सके कि क्या चीज़ें मैटर करती है प्रेगनेंसी में एज से ज़्यादा। पॉइंट नंबर फोर, गर्ल्स यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, माइक गिर गया था, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। गर्ल्स यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगी कि देखिए, एक जब आपकी शादी होती है, शादी के बाद अगर आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ है, तो उस केस पे आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है रिलेशनशिप में। बट अगर मैं कहूँ, अगर आपकी शादी होती है और शादी के बाद आपके झगड़े होते हैं, या फिर आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है, उस केस में आपको सोचने की ज़रूरत है। आप सोचिए क्या ये सही टाइम है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि देखिए अभी हमें ट्रस्ट नहीं बना है। जब तक आपको ट्रस्ट ना हो, तब तक मैं सिर्फ आपकी बहन के तौर पे आपको ये चीज़ कह रही हूँ। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, लेकिन बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक, अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है या लव मैरिज भी हो रही है, जब तक आपको अपने पार्टनर पर पूरा विश्वास नहीं है कि वो आपके बच्चे को, यानी आपके होने वाले बच्चे को, बेबी को टेक केयर कर पाएगा, उसका पूरा खर्चा उठा पाएगा, उसको पाल पाएगा कह लीजिए, उसको बड़ा कर पाएगा, तब तक आप कैसे कर लेंगे? एक होता है ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही कई केसेस आपने देखे होंगे कि बस शादी हुई, बेबी हो गया, उसके बाद डाइवोर्स भी हो जाता है लोगों का। तो ये वाली कंडीशन ना आए, उसके लिए आप थोड़ा टाइम लीजिए, 1-2 साल टाइम लीजिए, समझिए। जब तक आप समझेंगी नहीं, तब तक आप ये चीज़ें ना करिए। यहाँ पर बस इतनी सी राय दे रही हूँ। 5 पॉइंट गर्ल्स, एक
प्रेगनेंसी के लिए यानी एक प्रेग्नेंट होने से पहले ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इस काबिल हैं, यानी आप रेडी हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना, देखिए हम लड़कियों की जब शादी तय हो जाती है तब से सिखाया जाता है कि शादी के बाद तो फिर ससुराल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और शादी होके हम आते हैं हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं ससुराल में। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की कोई गलती नहीं करती है, ससुराल में आने के बाद 100 तरह की गलतियाँ होती हैं, लेकिन यस हमारे सासू माँ हमारे ससुर जी हमें सिखाते हैं, हमारी गलतियों को सुधारते हैं, तो वो टाइम लगता है, यानी 6 महीने 1 साल लगता है गलतियों को सुधारने में, और फिर हम इस लायक हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं। सेम इस केस में कहूँगी कि अगर आप क्या इस लायक हैं आप कि आप अपने बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, ऐसा ना हो ना कि कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं कि कोई टैडी हो गया और बस आपने रख दिया उसको, टैडी तो नहीं है कि आपने उसको बस एक जगह रख दिया और वहीं बैठा रहेगा। एक बेबी करना मतलब एक बेबी की ओवरऑल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यहाँ पे दोनों साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मदर रेडी है और फादर नहीं। अगर फादर भी रेडी नहीं है तो भी आपको उस टाइम पे प्लान नहीं करना चाहिए, दोनों का रेडी होना ज़रूरी है उस केस पे। अगर कई केसेस में क्या होता है गर्ल्स यहाँ पे बता दूँ, एक फीमेल तो रेडी है कि हाँ मैं अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, बट अगर एक मेल रेडी नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है, सब कुछ फीमेल को ही करना पड़ता है, मेल इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते हैं, फिर जब बेबी बड़ा होने लगता है तब मेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो ये चीज़ आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए दोनों को रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब दोनों की राज़ी हो तभी आप ये चीज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, या कोई भी बात अच्छी बुरी जो भी लगी हो, प्लीज़ कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। ये पहली वीडियो बनाई है मैंने प्रेगनेंसी सीरीज़ की, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको प्रेगनेंसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो शेयर करूँगी, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपको शेयर करनी है तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Have a great day. Take care.